हेलो जैन दोस्तों, मैं राहुल सिंह राहुल वाईफाई स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, रेलवे एनटीपीसी भर्ती 2019 के संबंध में 35,270 पोस्ट के संबंध में बड़ी खबर लेकर के मैं आपके समक्ष आ चुका हूं कि एप्लीकेशन स्टेटस के संबंध में एप्लीकेशन स्टेटस जो हमें खबर प्राप्त हो रही है, जैसा कि हमने आपको बताया भी था कि अब जुलाई के फर्स्ट वीक में आपको देखने को मिलेगा, उसके संबंध में क्या अपडेट है पूरी खबर मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले चाहूंगा चैनल पर जो हमारे मित्रगण पहली बार आए हैं, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें तथा बगल में लगे बेल आइकॉन के बटन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि आने वाली हर छोटी बड़ी सूचना जो कि रेलवे एनटीपीसी 2019 के संबंध में हो, आपको सबसे पहले राहुल वाईफाई स्ट्री चैनल के माध्यम से जरूर प्राप्त हो सके। तो चलते हैं, लेते हैं पूरी खबर विस्तार से, बिना समय का नुकसान किए हुए बढ़ते हैं, पूरी खबर लेते हैं हम लोग, क्या संबंध में इसकी खबर प्राप्त हो रही है। अब यहाँ से हम देख सकते हैं पूरी खबर विस्तार से क्या खबर प्राप्त हो रही है। आप देख सकते हैं ये 8:35 का अपडेट है, पूरी खबर लेते हैं। आरआरबी एनटीपीसी एडमिट कार्ड 2019 एग्जाम डेट सिलेबस लाइव अपडेट नेगेटिव मार्किंग के बारे में भी आपको जानकारी इसमें दी जाएगी। जैसा कि आप लोग जानती भी होंगे, जो हमारे नए कैंडिडेट हैं उनको मैं बता देना चाहता हूँ शुरुआत में ही कि 1/3 आपकी माइनस मार्किंग होंगी, यानी 3 क्वेश्चन के गलत होने पर आपके 3 क्वेश्चन तो गलत होंगे, साथ में एक सही क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो भी आपका गलत माना जाएगा, यानी आपको उसका भी नंबर नहीं मिलेगा। तो सिलेबस जैसा कि आप लोग जानते हैं, CBT 1 में आपके 100 क्वेश्चन होंगे, आपका जो है 90 मिनट का समय आपको मिलेगा, 40 क्वेश्चन आप जो जनरल अवेयरनेस से होंगे, 30 मैथ और 30 रीजनिंग और जनरल इंटेलिजेंस के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। पूरी खबर लेते हैं विस्तार से, यहाँ से आप देख सकते हैं आरआरबी एनटीपीसी एडमिट कार्ड लाइव, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जल्द ही एनटीपीसी एडमिट कार्ड जारी करने वाला है। जिन कैंडिडेट ने आवेदन किया था वह आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइट और आरआरबी बोर्ड की क्षेत्रीय वेबसाइट से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, यानी आपने जिस रीजन से फॉर्म डाला होगा उस रीजन के वेबसाइट पर जाकर के वहां से अपना फॉर्म जो है अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। लेकिन उसके पहले आपका जो एग्जाम सिटी के संबंध में एप्लीकेशन स्टेटस के संबंध में खबर आएगी आपको, वो संभवतः है जो आने वाले इसी सप्ताह में आपको एग्जाम जो है स्टेटस जो है एप्लीकेशन स्टेटस का लिंक एक्टिव हो जाएगा। उम्मीदवारों को बिना एडमिट कार्ड की परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जैसा कि आप लोग जानते भी हैं। उम्मीदवार ध्यान दें कि एडमिट कार्ड परीक्षा केंद्र पर ले जाना बिल्कुल जरूरी है, वेरी वेरी कंपलसरी है। आरआरबी एग्जाम 2 फेज में आयोजित करेगा, जैसा कि आप लोग जानते हैं CBT 1 और CBT 2। उसके बाद क्या होगा, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन DV के एडमिट कार्ड के अलग अलग जारी किए जाएंगे, यानी सबका CBT 1 CBT 2 एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तीनों का अलग अलग एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। उम्मीदवारों को आरआरबी एनटीपीसी की हर सूचना की जानकारी उनके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और SMS पे भी दी जाएगी। अब CBT 1 के बारे में अगर मैं आपको जो हमारे नए हैं चैनल पर कैंडिडेट उनको बताना चाहता हूँ, CBT 1 में आपके जैसा कि हमने आपको बताया भी कि वही 100 क्वेश्चन होंगे 90 मिनट का, तो ये खबर पूरी थी। नेगेटिव मार्किंग की भी जो खबर थी कि 1/3 आपका नेगेटिव मार्किंग होगा इसमें, तो ये एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड कर पाएंगे अपने मोबाइल से आप, ये खबर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप अपने रीजन की आरआरबी वेबसाइट पर जाएंगे, जैसे कि एडमिट कार्ड वहाँ पर लिंक क्लिक करेंगे, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा वो और आपकी जन्मतिथि यानी DOB डेट ऑफ बर्थ जो है आप दोनों जो इन्फॉर्मेशन वो मांगेगा उसको सबमिट करेंगे और लॉगिन करेंगे, आपका एडमिट कार्ड आपके स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा। अब अपने एडमिट कार्ड को आप डाउनलोड कर सकेंगे, एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट भी आप ले सकेंगे जा करके साइबर कैफे कहीं से। तो ये बड़ी खबर थी मित्रों की, यानी संभवतः जो आपका इसी सप्ताह में एप्लीकेशन स्टेटस जो है लिंक वो एक्टिव हो जाएगा और आपको देखने को मिल जाएगा कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है या फिर रिजेक्ट हुआ है। तो उसके बाद आपके एग्जाम सिटी और एडमिट कार्ड के संबंध में इन्फॉर्मेशन दी जाएगी आरआरबी के द्वारा। तो ये पूरी खबर थी मित्रों, नया अपडेट था आपके लिए कि इस सप्ताह आने वाले किसी भी दिन में आपका जो है एडमिट जो जारी कर दिया जाएगा एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन लिंक। हमें जो और खबर प्राप्त होती है आरआरबी एनटीपीसी 2019 के संबंध में तो आप तक लाने की हम पूरी कोशिश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।